टॉप कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर है। नीतीश बनना चाहते थे इंडिया गठबंधन में पीएम उम्मीदवार, दूसरे विकल्प के तौर पर विपक्षी गठबंधन में अध्यक्ष या संयोजक की भूमिका चाहते थे। ममता को छोड़ 13 दलों को कांग्रेस ने मना लिया था। ममता जातिगत जनगणना और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर अपने विरोध के चलते नीतीश की अगुवाई बिल्कुल नहीं चाहती थी। और अगली अहम खबर है बिहार की सियासत पर, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। नीतीश से बात करना चाहती थी सोनिया गांधी, खड़गे से बात के बाद सोनिया ने नहीं किया फोन। देखिए लगातार खबरें छनकर सामने आ रही हैं कि सोनिया गांधी बातचीत करना चाहती थी नीतीश कुमार से, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करने के बाद उन्होंने बात बंद कर दी। तो ये सारी रणनीति है। रुपेश पटना से हमारे साथ जुड़े हुए। रुपेश, बड़ी हैरानी की बात है कि जिस इंडिया गठबंधन को जोड़ने का काम अगुआ बनकर नीतीश कुमार ने किया, आज उसी इंडिया अलायंस को अधर में छोड़कर अपनी कुर्सी बचाने के लिए आरजेडी का दामन छोड़ बीजेपी के साथ जाने को तैयार है। अब नीतीश कुमार वो चेहरा बन गए जिस पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। देखिए, इस पूरे प्रकरण में एक बात बहुत स्पष्ट है और ये स्पष्ट नीतीश कुमार के एक्शन से भी हो गया है कि नीतीश कुमार बार बार ये कहते रहे कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन जो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और नीतीश कुमार ने कुनबा जो जोड़ा था, वो कुनबा किस तरह से बिखर गया और क्यों बिखर गया। नीतीश कुमार भले ही ये कहते रहे कि मुझे पद की लालसा नहीं है, ना तो मुझे प्रधानमंत्री बनना है, ना ही इंडिया गठबंधन में मुझे कोई पद चाहिए, लेकिन क्यों उन्होंने ये जो बिखराव किया है, क्यों उन्होंने एनडीए का रुख किया है, ये सिर्फ पद के लिए। इंडिया गठबंधन में कोई पद नहीं मिला और जो प्रधानमंत्री पद की जो लालसा है, 2013 में भी बीजेपी का साथ इन्होंने छोड़ा था, वो क्यों छोड़ा था, क्योंकि मोदी के विरोध के नाम पर, कि मोदी के बरक्स खड़ा होकर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना चाहते थे। 2014 का उन्होंने चुनाव लड़ा, 2014 में उन्हें मात्र 2 सीटें आईं, उसके बाद से उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, जीतन राम मांझी को विधायक मुख्यमंत्री बना दिया, फिर बीजेपी के साथ आ गए। लेकिन फिर जब अब चुनाव हो रहे हैं तो अब फिर एक बार उनकी वो लालसा, वो अति महत्वाकांक्षा 2020 में भी साथ में लड़ा बीजेपी के चुनाव जेडीयू में, लेकिन उसके बाद 2022 में मन ऐसा छिटक गया बीजेपी से कि अलग होकर फिर महागठबंधन में आ गए, आरजेडी के साथ सरकार बना दी। आइए एक बार फिर से ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, समझाते हैं कि नीतीश कुमार कैसे कभी एनडीए कभी महागठबंधन के पेंडुलम की तरह पाला लगातार बदलते रहे हैं। 1990 के दशक के मध्य तक नीतीश कुमार लालू यादव के साथी थे, लेकिन चारा घोटाले में लालू यादव का नाम आने के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए का दामन थाम लिया। कुछ और डिटेल में आपको बताते हैं, 1996 से 2013 तक नीतीश कुमार एनडीए में रहे, यानी करीब 17 साल तक वो एनडीए के साथ रहे, बीजेपी के साथ रहे, और 2015 में नीतीश कुमार ने फिर लालू यादव के साथ जाने का फैसला किया और ये फैसला लेने के साथ ही महागठबंधन बनाया। वहां नीतीश 2017 तक रहे थे। 2017 में आप जरा गौर करिए, 2017 में नीतीश कुमार की फिर एनडीए में वापसी हुई और इस बार वो 5 साल यानी कि 2022 तक बीजेपी के साथ रहे, लेकिन 2022 के बाद लालू यादव के साथ महागठबंधन में शामिल हो गए। अब आगे वो क्या करेंगे, इसके लिए चंद घंटों का इंतजार कीजिए, क्योंकि अब बहुत कुछ साफ भी हो गई है तस्वीर, जिसमें कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी इस्तीफा दे करके वापस एनडीए में जा सकते हैं।